हेलो फ्रेंड्स, पिछले दो ट्यूटोरियल्स में मैंने आप लोगों को स्टार पैटर्न्स बताए थे। एक तो बताया था मैंने आपको ये वाला, वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार एंड फोर स्टार। देन मैंने सेकंड प्रोग्राम बताया था, इसका रिवर्स, दैट इज फोर स्टार, थ्री स्टार, टू स्टार एंड वन स्टार। और उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को ये वाला पैटर्न, वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार, देन थ्री स्टार, देन टू स्टार एंड देन वन स्टार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, अब मैं आप लोगों को फोर्थ पैटर्न बताने वाला हूं, डेट इज वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार एंड फोर स्टार। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वाले पैटर्न आते तो आप लोगों के लिए ये वाला पैटर्न बनाना बहुत ईजी है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस पैटर्न का लॉजिक बताऊंगा। तो देखो, तो सबसे पहले तो लॉजिक देखो, इस पैटर्न को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आप देख रहे हो यहां पर सबसे पहले यहां पर थ्री स्पेसेस आ रहे हैं, देन टू स्पेसेस आ रहे हैं, देन वन स्पेस आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ स्पेस के लिए प्रोग्राम बनाने लगे तो ये कुछ इस टाइप का प्रोग्राम बनेगा, मींस ये वाला लॉजिक यहां पर यूज होगा। ओके, और अगर हम स्टार पैटर्न की बात करें, अगर स्पेसेस ना हो तो स्टार्टिंग में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, वन स्टार, देन टू स्टार प्रिंट हो जाएंगे, देन थ्री स्टार प्रिंट हो जाएंगे एंड देन फोर स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो ये वाला लॉजिक कुछ हद तक हम लोग इससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो, यहां पर हमें क्या करना है, एक फॉर लूप, मेन फॉर लूप मैंने लगा दिया, किसके लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए, जो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू वन, आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू फोर एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब इस फॉर लूप के अंदर मैं नेस्टेड फॉर लूप बनाऊंगा। तो सबसे पहला फॉर लूप, यहां देखो पैटर्न जो बन रहा है, सबसे पहले ये वाला पैटर्न बन रहा है और उसके बाद ये स्टार पैटर्न यहां बनेगा, जिसमें वन स्टार, देन टू स्टार, देन थ्री स्टार एंड देन फोर स्टार प्रिंट हो रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं स्पेसेस के लिए फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर एंट, तो जे स्पेसेस के लिए मैंने वैल्यू कहां से स्टार्ट कर दी, थ्री, तो जे इक्वल्स टू थ्री, देन जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आई एंड जे माइनस माइनस। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, स्पेस के लिए फॉर लूप लगा दिया। और यहां पर मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं सिर्फ प्रिंट लिखूंगा जिसके अंदर मैं स्पेस प्रिंट करवा दूंगा। ओके, तो फर्स्ट फॉर लूप जो है वो आ गया स्पेसेस के लिए। देन सेकेंड फॉर लूप मैं लगा दूंगा स्टार के लिए। तो स्टार सिंपली क्या है, वन स्टार प्रिंट हो रहा है, देन टू स्टार, देन थ्री स्टार एंड देन फोर स्टार। तो मैं सिंपली यहां पर इंट के इक्वल्स टू वन, के शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू फोर, के शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू आई एंड के प्लस प्लस। तो मैंने सिंपली यहां पर वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार एंड फोर स्टार वाला लॉजिक लगा दिया। और यहां पर मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, स्टार में यहां पर प्रिंट करवा दूंगा। ओके, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन के लिए लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो सेकेंड फॉर लूप आ गया इस चीज के लिए। ओके, तो अब देखो ये काम कैसे करेगा। देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू ले लेते हैं हम वन। ओके, जे की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी एंड के की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी। ओके, तो आई की वैल्यू क्या है, वन, कंडीशन ट्रू है, आई जो है वो फोर से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। ओके, मेन फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। देन जे की वैल्यू क्या है, थ्री, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आई, मीन्स थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा और वो क्या करेगा, एक स्पेस प्रिंट कर देगा। ओके, देन जे की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, दैट मींस जे की वैल्यू क्या होगी, टू। देन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन, अगेन कंडीशन ट्रू है, वो नीचे आ जाएगा और एक स्पेस प्रिंट करवा देगा। ओके, देन अगेन जे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है,
तो जे की वैल्यू क्या होगी, वन। वन के बाद वो क्या करेगा, अगेन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो रही है, देन अगेन फॉर लूप के अंदर आ जाएगा और एक और स्पेस वो प्रिंट कर देगा। ओके, देन जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो पर फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब सेकंड फॉर लूप मैंने लगाया हुआ, सेकंड में k की वैल्यू क्या है, वन। देन कंडीशन चेक करेगा, वन इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू i, i की वैल्यू क्या है, वन। तो कंडीशन जो है वो ट्रू है बिकॉज इक्वल्स है, तो नीचे आ जाएगा और वो क्या करेगा, यहां पर एक स्टार प्रिंट कर देगा। ओके, देन k की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, k की वैल्यू टू हो जाएगी, टू पर फिर कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर कर्सर जो है वो चला जाएगा। ओके, देन फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो आई की वैल्यू क्या होगी, टू। देन कंडीशन चेक करेगा, आई इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू फोर, मीन्स टू इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू फोर, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा, जे की वैल्यू अगेन थ्री इनिशियलाइज हो जाएगी। देन कंडीशन चेक करेगा, थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है, टू, तो कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा और वो क्या करेगा, एक स्पेस प्रिंट कर देगा। देन जे की वैल्यू एक डिक्रीज हो जाएगी, जे की वैल्यू हो गई टू, देन कंडीशन चेक करेगा, टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू, तो अगेन कंडीशन ट्रू है बिकॉज इक्वल्स है, तो अंदर आ जाएगा और वो क्या करेगा, एक स्पेस और प्रिंट कर देगा। देन जे की वैल्यू हो जाएगी वन, डिक्रीज हो जाएगी, अगेन कंडीशन चेक करेगा, वन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आई की वैल्यू टू है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा और नेक्स्ट फॉर लूप के अंदर जाएगा। देन के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन वन से इनिशियलाइज होगी, देन के इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू टू, मीन्स वन इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू टू, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा और वो क्या करेगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा। ओके, देन के की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स के की वैल्यू हो जाएगी टू, कंडीशन चेक करेगा, टू इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू टू, कंडीशन ट्रू है बिकॉज इक्वल्स है, अंदर आ जाएगा और वो एक स्टार और प्रिंट कर देगा। ओके, देन के की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, अगेन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है, फॉल्स है बिकॉज थ्री जो है वो टू से छोटा नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा और वो कर्सर जो है वो अगेन नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। ओके, अगेन आई की वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, अगेन जे की वैल्यू फिर दोबारा से इस बार ये क्या करेगा, एक ही स्पेस प्रिंट करेगा, ये वाला फॉर लूप क्या करेगा, थ्री स्टार प्रिंट कर देगा। ओके, फिर दोबारा से नेक्स्ट लाइन के अंदर कर्सर आएगा, देन अगेन अब की बार क्या करेगा, वो एक भी स्पेस प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फोर स्टार ये यहां प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये था सिंपल लॉजिक स्टार पैटर्न के लिए। अब मैं आप लोगों को ये पैटर्न एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो देखो, तो यहां पर हमने नोटपैड ओपन किया, देन क्लास क्रिएट कर दी, क्लास स्टार पैटर्न फोर, और एक मेन मेथड क्रिएट कर लिया, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। देन मैंने रो के लिए फॉर लूप लगा दिया, इंट आई इक्वल्स टू वन, आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू फोर एंड आई प्लस प्लस। देन यहां पर मैंने फॉर लूप, सबसे पहला फॉर लूप लगा दिया मैंने स्पेस के लिए, तो मैंने यहां पर लिखा इंट जे इक्वल्स टू फोर, देन जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आई एंड जे माइनस माइनस, और यहां पर मैंने प्रिंट करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्पेस प्रिंट करवा दिया। देन एक और फॉर लूप मैंने लगा दिया, डेट इज इंट आई इंट के इक्वल्स टू वन, देन के शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू आई एंड के प्लस प्लस, और इस वाले फॉर लूप के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पर मैंने स्टार प्रिंट करवा दिया और यहां पर भी प्रिंट आ जाएगा, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, तो एक बार हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं स्टार पैटर्न फोर डॉट जावा के नेम से, देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की, देन यहां पर मैंने डी ड्राइव ओपन कर लिया, देन सी डी स्पेस जावा प्रोग्राम जहां मेरा प्रोग्राम सेव है, देन जावा सी स्पेस स्टार पैटर्न फोर डॉट जावा, कंपाइल किया प्रोग्राम को, देन जावा स्पेस
स्टार पैटर्न 4 एंटर करो तो ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। ओके तो यहां देख रहे हैं फर्स्ट फॉर लूप जो है मेन फॉर लूप वो है सिंपल रोज के लिए 1, 2, 3 एंड 4 रोज के लिए। देन फर्स्ट फॉर लूप फर्स्ट नेस्टेड फॉर लूप जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्पेस प्रिंट करवाने के लिए और ये वाला पैटर्न मैंने पहले भी बताया था आपको। एंड सेकेंड फॉर लूप आ जाएगा स्टार प्रिंट करवाने के लिए। ओके तो ये था सिंपल लॉजिक स्टार पैटर्न प्रिंट करवाने के लिए। ओके थैंक यू।